उन्नति और उज्जवल दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं और भाई बहन हैं। इनके मम्मी पापा का नाम है नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति। इनका एक पड़ोस में रहने वाला दोस्त भी है जिसका नाम है अर्जुन। छुट्टी के दिन बच्चों ने मूवी देखने का प्लान बनाया। तारीख थी 13 जून 1997। फिल्म का नाम था बॉर्डर और जगह थी उपहार सिनेमा। उपहार सिनेमा का नाम सुनकर वो सारी हेडलाइंस, न्यूज़ और अखबारों की खबरें आपको ध्यान में आने लगी होंगी जो आप पहले भी पढ़ते या सुनते रहे हैं। 13 जून 1997 के दिन हाउसफुल उपहार सिनेमा हॉल में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसी उपहार सिनेमा ट्रेजेडी पर एक सीरीज आई है ट्रायल बाय फायर, जिसे डायरेक्ट किया है प्रशांत नायर ने। इस सीरीज का रिव्यू आपके लिए किया है हमारे साथी दीपक कौशिक ने। तो आगे के शब्द दीपक के। ये सीरीज नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति की लिखी किताब ट्रायल बाय फायर से इंस्पायर्ड है। इनके दोनों बच्चे उस दिन उपहार सिनेमा में मौजूद थे जब एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से धुआं हॉल में फैल गया और दम घुटने से या जलने से लोगों की मौत हो गई। 7 एपिसोड की ये सीरीज सिर्फ पीड़ितों के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज में अमीर गरीब, शक्तिशाली और कमजोर लोगों के बीच बनी खाई को बहुत ही संवेदनशील ढंग से दर्शाने की एक अच्छी कोशिश की गई है। जहां नीलम और शेखर सिनेमा हॉल के मालिक सुशील और गोपाल असल यानी अंसल ब्रदर्स को सजा दिलाने के लिए पुलिस से लेकर वकील और बड़े अफसरों तक के चक्कर लगाते नजर आते हैं, वहीं एक बुजुर्ग भी है जिसके घर के सभी 7 सदस्यों की मौत हो चुकी है और उसके पास अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं हैं। उसके लिए उस वक्त न्याय जरूरी होगा या अंतिम संस्कार? ऐसे कई जरूरी सवाल सीरीज देखते वक्त आपके मन में आएंगे, लेकिन जब एक होकर कुछ पीड़ित परिवार लड़ने का फैसला करते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है। इस लड़ाई में उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आप सबको सीरीज जरूर देखनी चाहिए। नीलम कृष्णमूर्ति के किरदार में राजश्री देशपांडे ने कमाल का अभिनय किया है। वो एक ऐसी माँ का किरदार निभा रही है जो अपनी सारी उम्र न्याय के लिए संघर्ष करने में बिता देती है। जब सब उम्मीदें हारते हुए नजर आते हैं तो वो उस वक्त भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती और उपहार सिनेमा पर चढ़ी परतों को एक एक कर उतारने में लगी रहती हैं। उनके चेहरे पर दुख, हिम्मत, इंतजार, उम्मीद और निराशा साफ देखे जा सकते हैं। नीलम के पति शेखर कृष्णमूर्ति के रूप में अभय देओल एक मिडिल क्लास पिता और पति के गेटअप में है, बिल्कुल फिट बैठते हैं। बच्चों के जाने का दुख, उस दुख को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की उनकी इच्छा और न्याय के लिए संघर्ष को अभय ने बेहतरीन तरीके से दर्शा है। अभय ने राजश्री का बेहतरीन साथ निभाया है। आशीष विद्यार्थी ने भी अच्छा काम किया है। उनके किरदार का नाम है नीरज सूरी, जिसे विक्टिम्स के परिवार वालों को डरा कर या लालच देकर उनका मुंह बंद करवाने का काम सौंपा गया है, जिससे वो अंसल ब्रदर्स के खिलाफ लड़ने से पीछे हट जाएं। वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं उन्हें देखकर आपको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर का एक मजबूर इंसान भी उनके एक्सप्रेशन के जरिए देखने को मिलेगा। राजेश तेलंग भी सीरीज के 2 एपिसोड्स में नजर आएंगे। विद्युत विभाग के कर्मचारी वीर सिंह के रूप में राजेश के एक्सप्रेशंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज ही उनके किरदार का डर और दर्द दिखाने के लिए काफी है। वीर सिंह की कहानी थोड़ी सी लंबी और खींची हुई जरूर महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको उसका इम्पैक्ट समझ आने लगता है। इसके अलावा 1965 के युद्ध में हिस्सा ले चुके हरदीप सिंह बेदी के किरदार में अनुपम खेर और उनकी पत्नी के किरदार में रत्ना पाठक शाह भी आपको दिखाई देंगे। इनकी एक्टिंग के बारे में हम सब जानते ही हैं। सीरीज में छोटे बड़े सभी किरदारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। फिर चाहे वो पीड़ितों के परिवार की आंखों में दिख रही नाउम्मीदी हो या कोर्टरूम में चल रही बहस, लेखक प्रशांत नायर का लेखन अंत तक बांध कर रखने वाला तो है ही, इसके साथ ही बहुत ही भावुक कर देने वाला भी है। इसमें बहुत बड़ा हाथ सिनेमेटोग्राफी का भी है। कुल मिलाकर ट्रायल बाय फायर सबको जरूर देखनी चाहिए। अंत में ये आपको स्पीचलेस कर जाती है और छोड़ जाती है कई सारे सवालों के साथ। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये सीरीज का रिव्यू आपके लिए लिखा था हमारे साथी दीपक कौशिक ने। मैं हूं मेघनाथ, देखते रहिए ललित टॉप सिनेमा। शुक्रिया।